नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यूपीएसआई यानी कि यूपी दरोगा का मूल विधि संविधान का पुराना पेपर आ चुका है और पेपर नंबर ये दो है, 13/12/2017 के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। सितारे अगर कंधे पर चाहिए तो बहुत ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है जो 13/12/2017 में पूछा गया था, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना कौन सी है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना, इन परियोजनाओं में से कौन सी है, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए जिन लोगों को आ रहा है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए ये जो है आपका है नमामि गंगे परियोजना, ठीक है, ये गंगा नदी को साफ करने के लिए परियोजना है। ये दोस्तों कब ये स्टार्ट हुई है तो याद रखिएगा 2014 में केंद्र सरकार द्वारा जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में अनुमोदित जो है ये किया गया है, ठीक है। इसमें दोस्तों जो है आप जान रहे हैं गंगा नदी में प्रदूषण और संरक्षण और राष्ट्रीय नदी जो गंगा नदी है इसका कायाकल्प करने का जो है उद्देश्य रखा गया था, ठीक है। चलिए और यहाँ पर अगर बात करें यह 100% जो है अगर आ जाता है एग्जाम में कि राज्य का है कि नहीं, तो इसमें याद रखिएगा 100% जो है केंद्र सरकार की ये योजना है और जो पैसे खर्च करने की मंजूरी मिली थी वो मिली थी 20,000 करोड़ रुपए जो है मंजूरी मिली थी गंगा नदी को साफ करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी द्वारा सिंगूर में ऐसे ऑटोमोबाइल संयंत्र की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के लिए श्रीमती ममता बनर्जी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का नाम क्या था। आपको बताना है कि एक निजी कंपनी जो है सिंगूर द्वारा जो है एक ऑटोमोबाइल संयंत्र की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के लिए जो है श्रीमती जो है ममता बनर्जी द्वारा जो है यहाँ पर आंदोलन चलाया गया था या आंदोलन का नाम क्या था, ये आपको बताना है। याद रखिएगा आंदोलन का जो नाम था वो था खेत बचाओ। याद रखिएगा खेत बचाओ जो है टाटा मोटर्स की है, सिंगूर जो है एक ऑटोमोबाइल संयंत्र की स्थापना के लिए जो है पश्चिम बंगाल में जो है भूमि अधिग्रहण किया जा रहा था सरकार द्वारा, तो यहाँ पर जो है जो चलाया जा रहा था वो था खेत बचाओ, ठीक है, आंदोलन, ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार खालिस्तान तक फैला हुआ है, मतलब कहाँ तक जो है क्षेत्राधिकार फैला हुआ है, कहाँ तक जो है क्षेत्राधिकार फैला हुआ है भारतीय दंड संहिता का। 12 समुद्री मील तक दोस्तों जो ये फैला हुआ है, याद रखिएगा जो समांतर जो है यहाँ पर जो है क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, ठीक है, और जो समांतर 12 समुद्री मील होती है इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है, अतः भारतीय दंड संहिता का समुद्र क्षेत्राधिकार जो है यहाँ पर 12 समुद्री मील तक फैला है। आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है, ये भी याद रखिएगा 24 मील, ठीक है, और यहाँ पर जो अधिकार प्राप्त है किसी भी देश के अन्य या फिर जो है आपके आर्थिक क्षेत्र और आधार रेखा से जो है 200 समुद्री मील तक जो है होता है, ठीक है, और इस क्षेत्र में भारत जो है वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट भी भारत को मिली हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था, ठीक है, वर्ष 1917 में बनी है भारतीय महिला संस्था, ये भी याद रखिएगा कि पहली अध्यक्षा जो है ये कौन थी, पहली अध्यक्षा कौन थी। तो देखिए भारतीय महिला जो है संस्था जो है इसकी पहली जो अध्यक्षा थी 1917 में बना था और पहली जो थी वो थी एनी बेसेंट थी, ठीक है,
और 1917 में दोस्तों ये मद्रास में जो है वुमेन इंडियन एसोसिएशन यानी कि भारतीय महिला जो है संघ की स्थापना की गई थी, जिसकी पहली महिला जो थी अध्यक्षा वो थी एनी बेसेंट जी। यह पहला निकाय था जिसने पूरे भारत में महिलाओं और उनकी शाखाओं के लिए नागरिक और राजनैतिक समानता की मांग की थी। इससे जुड़ी महिलाओं में सरोजिनी नायडू जी भी थीं और मार्गरेट जो है कॉजिस जो है ये भी थी, और इनका काफ़ी इन दोनों लोगों का भी योगदान था। नेक्स्ट बात करेंगे, एक खालिस्तान यहाँ पर एक विशिष्ट वर्ग कमांडो बल है, कोई ऐसा है ठीक है, उनका नाम आपको बताना है ठीक है, जो आतंकवाद का मुकाबला करने वाली एक विशेष इकाई है ठीक है, जिसे मुंबई महानगरीय क्षेत्र की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित किया गया है, उसका नाम आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे, याद रखिएगा, ये बात कर रहे हैं फोर्स वन की, फोर्स वन की ये बात कर रहे हैं। फोर्स वन एक विशिष्ट वर्ग कमांडो बल है जो कि आतंकवाद का मुकाबला करने वाली एक विशेष इकाई है, जिसे मुंबई महानगरीय क्षेत्र की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG की तर्ज पर जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित किया गया है। याद रखिएगा, इसका जो गठन हुआ है वो 2010 में किया गया है ठीक है। और ये बात करें तो ये आपका जो है आतंकी हमलों को हमलों से रक्षा करने के लिए मेन मतलब उद्देश्य यही है। नेक्स्ट बात करेंगे, मार्टिन क्रो, जिसका वर्ष 2016 में निधन हो गया, किस खेल के एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी थे। देखिए 2016 का ये मतलब 2017 का ये पेपर का है, तो 2016 का पूछ लिया गया है ठीक है, तो बता सकते हैं कि कौन से जो है खेल से वो संबंधित थे, जिन लोगों को याद है। तो देखिए मार्टिन क्रो जो थे वो थे आपके क्रिकेट से संबंधित थे ठीक है। और ये जो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। इनका निधन जो है 3 मार्च 2016 को इनका जो है ब्लड कैंसर से जो है इनका निधन हो गया ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत में आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 80C क के सॉरी के तहत जो है यहाँ पर कटौती के लिए सीमा क्या थी। तो देखिए कटौती जो की गई थी किस सीमा तक, यहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक जो है कटौती सीमा था। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80C और इससे संबंधित धाराओं के तहत किसी भी व्यक्ति को वित्तीय वर्ष के टैक्स में 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए की छूट मिल सकती है। यह छूट कंपनी, कॉरपोरेट पार्टनरशिप आदि को नहीं मिलेगी। 80C में म्यूचुअल फंड, प्रीमियम बीमा, टैक्स सेवर, फिक्स डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट आदि सेवाएं आती हैं। तो इनके हिसाब से जैसे बोलते हैं ना कि बीमा वाला कुछ कटा दिया, ऐसे करके आप 1.5 लाख रुपए तक जो है कटा सकते थे। तो ये उस समय का पूछा था ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार के लिए यहाँ पर खालिस्तानी समितियाँ थीं, मतलब कितनी समितियाँ थीं उनको आपको बताना है, कितनी समितियाँ थीं वो बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस नहीं आ पाए हैं तो मैं ऑप्शंस दे दे रहा हूँ। ए में है आपका 10 और बी में आपका है 7 ठीक है, और सी में आपका है 13 और यहाँ पर ये 15। बताइए कितनी समितियाँ थी ठीक है, ऑप्शंस शायद कट गए हैं, बता सकते हैं सभी लोग, ABCD इसको मान लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो समितियाँ थी वो थी 13, याद रखिएगा संविधान सभा की महत्वपूर्ण जो समितियाँ थी वो 13 थी, और यहाँ पर सब अलग अलग है। लास्टवां जो है यानी कि अगर पहला बात करें तो प्रक्रिया जो है विषय का नियमों संबंधी समिति थी, राजेंद्र प्रसाद जी थे अगर यहाँ पर अध्यक्ष की बात करें तो। याद रखिएगा लास्ट में जो 13वां है ये था प्रारूप समिति,
और बी आर अम्बेडकर जी थे उसके अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है, कौन से गैस को जो है शुष्क चूने से गुजारा जाता है, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर की जब भी नाम आएगा तो याद रखिएगा क्लोरीन, क्लोरीन को जो है यहाँ पर शुष्क जो है चूने से गुजारा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, रट एकदम रट लीजिए, ये सब क्वेश्चन आता है। यहाँ पर खालिस्तान एक्ट को भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2005 में अधिकृत किया गया था, किसको, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। तो देखिए, सचर समिति को भारत जो है, इस समिति को जो है भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक आर्थिक व और जो है शैक्षणिक स्थिति पर एक जो है रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2005 में जो है यहाँ पर जो है अधिकृत जो है किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, इनमें से कौन सा नियुक्ति है जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये सभी किए जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो नियुक्ति है ये जो है आपका राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री, ठीक है, कैबिनेट सचिव का हो गया, प्रधानमंत्री का हो गया, तथा अन्य मंत्रियों को महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। जबकि लोकसभा की पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो ये जो है राष्ट्रपति नहीं करता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग यानी सार्क की बात कर रही है संगठन देश के साथ जो है आतंकवाद विरोधी प्रयासों में सहयोग के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया। तो देखिए उस समय की बात है, तो उस समय यानी कि बात करेंगे पीछे का 2017 की एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो उस समय जो था वो था बांग्लादेश के साथ इन्होंने समझौता किया था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है, इनमें से कौन है जो कि समवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है, सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। याद रखिएगा, सातवीं अनुसूची के संबंध में दोस्तों तीन आपकी जो है यहाँ पर बीच में जो है बट विभाजन हुआ है राज्यों और केंद्र में, तो यहाँ पर दोस्तों जो है उसके अंतर्गत अगर बात करें, पहले में बात करें तो संघीय सूची वर्तमान में जो है 100 विषय इसमें है, और दूसरे में बात करें तो राज्य सूची वर्तमान में 61 विषय है, तीसरा जो समवर्ती सूची है यहाँ पर 52 विषय है, तो इसमें जो है दंड प्रक्रिया संहिता है, फौजदारी है, इसमें कानून है, भारतीय दंड संहिता जो है, ये सब सभी जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। जबकि यहाँ पर ऑप्शन बी में जो दिया है शस्त्र, अग्नेयास्त्र, गोला बारूद तथा और जो है विस्फोटक, ये सब जो है आपके संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत ये सब आते हैं, यानी पहले वाले जो है तीन जो उसमें बांटा गया उसमें पहले वाले के अंतर्गत आता है, तो ये जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उस मध्यस्थता को जो निवेशकों से तुलनात्मक रूप से कम विनिमय किए जा सकने वाले प्रत्यक्ष ग्राहक स्वीकार करते हुए बचतकर्ताओं को ऐसे अप्रत्यक्ष वित्तीय दावे जारी करने से संबंधित है जो तुरंत विनिमय किए जा सकते हैं, यहाँ पर खालिस्तान है, उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसको कहते हैं चल निधि मध्यस्थता, चल निधि मध्यस्थता उसको कहते हैं।
ठीक है, चल निधि मध्यस्थता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किम्बरली सोने की खदाने कौन सी महाद्वीप में स्थित है। देखिए दोस्तों, किम्बरली जो है यहाँ पर क्या रहना चाहिए, यहाँ पर रहना चाहिए हीरे की खदान, हीरे की खदान ये रहना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, हीरे की खदान, ठीक है। तो देखिए किम्बरली जो है हीरे खदान है, और ये कहाँ पर है कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे कौन से महाद्वीप में है। तो देखिए ये जो है महाद्वीप में अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है, और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी केप प्रांत में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ी जो है हीरे का जो है खान है, और जो है किम्बरली को हीरे का जो है नगरी, और यहाँ पर बात करें जोहान्सबर्ग जो है उसको सोने की नगरी इसके नाम से जाना था। तो यहाँ पर गलती से जो है सोने का लिखा गया था पेपर में, ठीक है, तो हमने पहले ही आपको बता दिया क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही। नेक्स्ट बात करेंगे, वो कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है। सभी लोग बताइए, शुद्ध संगमरमर से पहली बताना है, पहला, सभी लोग बताइए पहली मुगल इमारत, तो है आपका शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, चिश्ती की दरगाह है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है शुद्ध संगमरमर से पहली जो बनी इमारत है, और यह जो इमारत है यह जनाना रोजा के पास स्थित है, और इसका जो मुख है वो दक्षिण में बुलंद दरवाजे की ओर है। यह अकबर द्वारा सूफी संत के सम्मान में फतेहपुर सिकरी में बनाई गई थी, सूफी संत के सम्मान में। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है समग्र औद्योगिक नीति और देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और उसमें वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, सभी लोग बताएंगे कौन जिम्मेदार है। तो देखिए जिम्मेदार है औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाए। ये जो है समग्र औद्योगिक नीति और देश में प्रत्यक्ष विदेशी यानी FDI निवेश की बात कर रहे हैं, प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और उसमें वृद्धि के लिए जो है जिम्मेवार है औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। नेक्स्ट बात करेंगे, CID की यहाँ पर खालिस्तान है शाखा दंगे जालसाजी और नकली चीज़ें बनाने जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती है। यहाँ पर जो है खालिस्तान है वहाँ पर आपको भरना है, बताना है कि क्या और रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CID की यहाँ पर जो है अपराध शाखा दंगे जालसाजी ये सब के लिए चीज़ें पे जो अपराध की जांच करती है, तो अपराध शाखा यहाँ पर जो है भरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से आपको कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये बताना है, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो आपको बताना है। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बाकी सब बात करेंगे तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से यूज़र कंप्यूटर पर विभिन्न कार्य जैसे फोटो एडिट, गेम खेलना, डॉक्यूमेंट, मतलब एक्स्ट्रा जो है कंप्यूटर चलाने के लिए होता है जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो एप्लीकेशन इसमें जो सॉफ्टवेयर है वह CAD है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान है भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत खाता योजना है जो बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित है, कौन सा है जो कि बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित योजना है बताएं। सुकन्या समृद्धि योजना, याद रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है सुकन्या समृद्धि योजना, ये दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत है, और इसका जो है 22 जनवरी 2015 में ये लॉन्च किया गया था, 2015 22 जनवरी 2015, याद रखिएगा। ये जो है एक छोटी बचत योजना है जो बालिकाओं के माता पिता को लक्षित करके बनाया गया है उनके लिए है। ठीक है, याद रखिएगा सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपका खाली है, के मौलिक अधिकार
प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो, तो यहाँ पर खालिस्तान में क्या भरेंगे? सभी लोग बताएंगे। देखिए, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को दोस्तों यहाँ पर प्रतिबंध के तहत जो है सरकार कुछ स्थितियों में जो है हथियारों के बिना हो रही जो शांतिपूर्ण सभा इसको सीमित कर सकती है। ठीक है, अगर उदाहरण के लिए अगर मामला जो है सार्वजनिक व्यवस्था के हित में रहेगा तो। ठीक है, यहाँ पर जो है अनुच्छेद अगर आर्टिकल की बात करें तो 19 के तहत जो है यहाँ पर 6 प्रकार की जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, भाग 3 में यह है, और इसमें जो है दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 19 का एक का ख जो है इसमें सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण जो है और जो है निराधु जो है मतलब निरायुध जो है सम्मेलन का अधिकार प्रदान किया गया है। यदि मामला सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो तो सरकार जो है स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को प्रतिबंध के तहत जो है हथियारों के बिना शांतिपूर्ण जो सभा हो रही है इसको सीमित कर सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 19 के आपका एक एक ख में है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को यहाँ पर खालिस्तान है में सूचीबद्ध किया गया है। मतलब किसमें सूचीबद्ध किया गया है वो आपको बताना है। याद रखिएगा, समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का खालिस्तान है अधिनियम जंगली जानवरों पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ पर खालिस्तान में क्या भराएगा? भारत का जैव विविधता पर्यावरण और वन पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण। राइट आंसर आपका हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण। भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जंगली जानवरों पक्षियों और जो है पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट जो था दोस्तों यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के जनहित याचिकाओं के बारे में सही नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जो दिया है इनमें से कौन सा है जो कि जो है भारत के जनहित याचिकाओं के बारे में सही नहीं है। पढ़िए आराम से और बताइए कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही नहीं है। इसमें क्या बताया गया, लोकतंत्र के लिए नागरिक बनाम असम राज्य एक जो है जनहित याचिका मामला था जिसने कि जीवन के अधिकार के तहत जो है त्वरित जो है न्याय के अधिकार की एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी करने की मांग की। ये जो है गलत है, सही नहीं है, ये गलत है, ये वाला ठीक है। ठीक है, ये वाला सही है। ठीक है, जो हमने अभी बात किया ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों के समूह के लिए जो विशेष प्रावधान बना सकती है, यह भारत में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है? किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, समानता का अधिकार। ठीक है, सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए जो है और जो है आर्थिक एवं सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए अनुच्छेद 15(3) के तहत जो विशेष प्रावधान कर सकती है। संविधान के अंतर्गत यह समानता के जो है मौलिक अधिकार के खिलाफ है, किंतु अपवाद स्वरूप सरकार को यह अधिकार दिया गया है। ये खिलाफ है लेकिन अपवाद स्वरूप जो है सरकार को ये जो है दिया गया पावर। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर खालिस्तान है, इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार है खालिस्तान यहाँ पर है, जिसमें रोजमर्रा के वस्तुओं को नेटवर्क से जोड़ा जाता है जिससे वे डेटा भेज सकें और प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या फील होगा। ये दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी वस्तुओं वस्तु अंतरजाल। ठीक है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है
इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार है जिसमें रोजमर्रा की वस्तुओं को नेटवर्क से जोड़ा जाता है जिससे वे डेटा भेज सकें और प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय संरचना है, इसमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है, इनमें से कौन सी है जो निम्नतम स्तर पर है, 3 स्तरीय का निम्नतम स्तर आपको बताना है। तो निम्नतम जो स्तर है वो है ग्राम पंचायतें, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का जो है 3 स्तरीय संरचना है और जो न्यूनतम जो है यहाँ पर जो है ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है। ये जो है आपका अगर बात करें तो संविधान सभा के भाग नंबर 9 जो है और अनुच्छेद बात करें तो 243 के दोस्तों यहाँ पर जो है लास्ट पार्ट यानी अड़ के तहत जो है पंचायत से संबंधित प्रावधान है। अगर बात करें तो 73वें जो है संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई होती है, ये तो आप जब भी जान ही रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रमुख देश की पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चल निधि को चलाने वाली है, कमेंट बॉक्स में बताइए किस प्रमुख देश की पूंजी जो है चलाने वाली है, सभी लोग बताएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की पूंजी भारतीय जो है पूंजी बाजार चल निधि यानी कैपिटल मार्केट जो है लिक्विडिटी को चलाने वाली है। पूंजी बाजार में शेयर बाजार एवं बॉन्ड बाजार भी शामिल है। नेक्स्ट बात करेंगे बॉन्ड की परिभाषा, बॉन्ड बाजार की बात किया, बॉन्ड की परिभाषा पूछ लिया है, जिन लोगों को आ रहा है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बॉन्ड की परिभाषा क्या होगी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक निश्चित अवधि के दौरान भविष्य में वित्तीय लाभ के वादे से संबंधित दस्तावेज है, ठीक है, दस्तावेज ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बॉन्ड की ये परिभाषा याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें भारत के राष्ट्रपति को खालिस्तान है प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा जो है चुना जाने का मेन जो है माध्यम क्या है, सभी लोग बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार आपको रट लेना चाहिए। याद रखिएगा एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, प्रणाली के अनुसार, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद की बात करें तो आपका जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है यहाँ पर 55(3) के अंतर्गत जो है ये आपका जो है प्रतिनिधित्व प्रणाली है, निर्वाचन अनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व प्रणाली ये है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर अनुच्छेद अगर यहाँ पर जो है 54 की बात करें तो 54 में दोस्तों के अनुसार जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन एक जो है निर्वाचक मंडल द्वारा होगा और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल में सदस्य जो संसद है इसके दोनों सदन के जो सदस्य होंगे और तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार यानी गांव और जिला स्तर की सरकार को वर्ष खालिस्तान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था, सन बताना है, समय बताना है। अभी मैंने डिस्कस किया पंचायत के बारे में 1992 मैंने अभी डिस्कस किया, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा 1992 के तहत, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 73वां संविधान संशोधन और 1992 में पंचायतों से संबंधित है और ये जो है इसके माध्यम से संविधान के भाग 9 अभी मैंने डिस्कस किया था में 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वां जो संविधान संशोधन है ये आपका 1992 है और नगर ये जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया जो है भाग 9 का क बनाकर 18 नए जो है अनुच्छेद और 12वीं अनुसूची जो है इसमें शामिल किया गया, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी
जो है नगर पालिका वाला भी 1992 ही है। नेक्स्ट बात करेंगे इस यातायात प्रतीक का मतलब, ये जो यातायात प्रतीक है, चिन्ह है, इसका मतलब क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए इसका जो मतलब है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि पैदल वहाँ पे आप नहीं जाएंगे, ठीक है, पैदल यात्री वर्जित है, ठीक है, ऐसा स्थान है कि जहाँ पर पैदल यात्री वर्जित हैं, बहुत कम होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है, कौन सी चाय में मनोप्रभावी दवा पाया जाता है। कई लोग इसको स्फूर्ति से जोड़ते हैं, कई लोग कहते हैं कि नशा करता है। तो देखिए इसमें चाय में जो पाया जाता है कैफीन पाया जाता है, ये मनोस्फूर्तिदायक है, उत्तेजक औषधि है, मतलब थोड़ा मन ताज़ा हो जाता है इससे, ठीक है। इसका स्रोत अगर बात करें तो कॉफ़ी और चाय दोनों हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से खालिस्तान है को जवाबदेह है, मंत्रियों की जो परिषद है वो सामूहिक रूप से किसको जवाबदेह है, सभी लोग बताएंगे किसको जवाबदेह है। तो जो मंत्रियों की परिषद है दोस्तों ये जवाबदेह है किसको, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा को, लोकसभा को जवाबदेह है, ठीक है। अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल नंबर 75 के 3 के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जो है उत्तरदायी है। 91वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जो है अंतर स्थापित किया गया कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के जो पूरे टोटल जो संख्या होगी उससे 15% से अधिक नहीं होगी, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे गारो पहाड़ियाँ में स्थित है, कहाँ पर स्थित है गारो पहाड़ियाँ जो हैं ये कहाँ पर स्थित हैं, सभी लोग बताएंगे गारो पहाड़ियाँ जो हैं ये कहाँ पर स्थित हैं। याद रखिएगा गारो पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय में है, और यहाँ पर याद रखेंगे यह गारो खासी जयंतिया और ये रेंज का भाग है, ठीक है, ये सब याद रखेंगे मेघालय। नेक्स्ट बात करेंगे किस वर्ष में भारतीय इंपीरियर पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस, ठीक है, के द्वारा बदल दिया गया, मतलब कब ये आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है इंग्लैंड, मतलब ये सब अंग्रेजों का जो बनाया गया था वो था आपका 1800, जून जो था 1893 में इंग्लैंड ने पहली बार जो है ओपन सिविल सर्विसेज परीक्षा आयोजित हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओपन में कि मतलब कोई भी जो है यहाँ पर सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित हुई थी। और टॉप 10 जो भारतीय जो इंपीरियर पुलिस में भर्ती किया गया था इसमें इस समय, और स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो 1948 में दोस्तों जो है भारतीय इंपीरियर पुलिस को जो है भारतीय पुलिस सेवा में जो है यहाँ पर जो है बदल दिया गया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ओपन जो सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम हुआ है अंग्रेजों के समय में, ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे MS स्वामीनाथन को खालिस्तान है के जनक के रूप में जाना जाता है, किसके जनक के रूप में जाना जाता है, MS स्वामीनाथन जी को किसके जनक के रूप में जाना जाता है, सभी लोग बताएंगे। भारत में हरित क्रांति, याद रखिएगा भारत में हरित क्रांति, ठीक है, अगर बात करें तो विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक है वो है नॉर्मन अर्नेस्ट, ठीक है, बोर लॉग को माना जाता है, भारत में इन्हीं को डॉक्टर MS जो है स्वामीनाथन जी को माना जाता है। इनके नेतृत्व में ही भारत में गेहूं की उच्च जो है उत्पादक प्रजातियों का जो है सफलतापूर्वक जो है विकास किया गया या हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कोई भी सांसद विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 वर्ष कारावास की सजा दी गई है वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आपको याद रखना है कि कौन से फैसले के अनुसार जो भी इम्पोर्टेंट हैं उसके अनुसार क्या क्या कहा गया है जो बहुत ही चर्चित है।
याद रखिएगा, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी लिली थॉमस बनाम भारत सरकार, ये आपका जो है एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ठीक है, याद रखेंगे, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है जुलाई जुलाई की बात करें, जुलाई 2013 में जो है अपने फैसले में दोषी करार होने के बावजूद जो है संसदीय विधायकी को कायम रखने वाली जो जन प्रतिनिधित्व की धारा 8(4) जो है इसको असंवैधानिक ठहराया। ठीक है, अभी निर्धारित किया कि कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे कम से कम 2 वर्ष की जो है कारावास की सजा दी गई हो, वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? इनमें से कौन सा है जो कि हर एक नागरिक का जो है मौलिक कर्तव्य है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, यहाँ पर जो मौलिक कर्तव्य क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और जो है संरक्षित करने का कर्तव्य। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करें तो इसकी चर्चा जो है ये जो है आपका भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संतुति के आधार पर जो है 42वां यानी 42 नंबर का संविधान संशोधन है 1976 में जोड़ा गया। वर्तमान में बात करें तो अनुच्छेद जो है 51 क के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है। ठीक है, और क के च के अनुसार क के यानी इसी के क के च के 91 के सॉरी 51 के यहाँ पर क के च के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे और लास्ट जो क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार। मैं कई बार ये बोलता हूँ 2005, इसलिए बोलता हूँ कि एग्जाम में आएगा। ठीक है, लिख करके ले जाए, आएगा जरूर। सूचना का अधिकार यानी RTI अधिनियम के अनुसार यदि मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता, मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में ही, जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी को, यहाँ पर दिनों में पूछा है, दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से RTI का जवाब देना होता है। बताइए कितने दिनों के भीतर? मैंने आप सभी लोगों को बताया था 30 दिनों के भीतर, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे एक और चीज़ भी बताया था कि 48 घंटे के अंदर देना होगा अगर जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित होगा, तो 48 घंटे यानी 2 दिन के भीतर। ठीक है, 2 दिन के भीतर, 30 दिन के अंदर ऐसे आपको जवाब देना है, RTI को लगा करके भेजेगा तो। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पर जीवन और स्वतंत्रता की बात आती है तो 2 दिन यानी 48 घंटे के अंदर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको सेट ये कैसा लगा प्रीवियस ईयर का, और आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो जो बताइए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।